Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum friends, how are you? You are watching TS Knowledge TV channel. Welcome to my YouTube channel. Dosto, hamare channel TS Knowledge TV ki janib se apne tamam muazziz nazreen, samin karam, kisan bhai aur mushi pal doston ko assalamu alaikum rahmatullahi wa barakat. Dosto, aaj is video ke sath hum hazir hain, uska unwan hai ki janwaron ke hewana jo hota hai jise chadda bhi aap kehte hain, uski ek side kam hogi hai, dusri side zyada hogi hai. तो उसे متوازن यानी बराबर करने का देसी नुस्खा ये आपको बताया जाएगा और इसी वीडियो में अगर जानवर के थन जो हैं वो भी छोटे बड़े हो गए हैं उन उसमें दूध कम ज्यादा है तो उसके लिए भी आपको दो देसी नुस्खे बताए जाएंगे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो kindly से सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आपको मिल सके और वीडियो को आप लाइक भी लाज़मी किया करें और जो भी हमारी वीडियो होती है इसको अपने दोस्तों के साथ काइंडली शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो जाए तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो शिफा होती है ये तो मेरे मालिक ने देनी होती है अल्लाह पाक की मर्जी होती है कि वो शिफा दे या ना दे हमने जो अपने तजुर्बा और जो बाकी लोगों ने काफ़ी लोगों के तजुर्बात के बाद जो देसी नुस्खे जानवरों पर अप्लाई किए जाते हैं वो अब तक शेयर करते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए तो काफ़ी लोगों के अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं कि जी वो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है आप भी अगर हमारे वीडियोस में से कोई नुस्खा लेते हैं तो आपके जानवरों को फ़ायदा होता है या नहीं होता तो आप हमें हमारे साथ वो कमेंट्स में शेयर किया करें ताकि जो आपके तजुर्बात हैं वो भी लोगों तक पहुँचें उनको पता चले कि कौन सा नुस्खा वो कारगर साबित हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा जो बरकैफ जो हम आपको बताते हैं ये जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाती है ये तजुर्बात के बाद इसको अप्लाई करके जानवरों पे इसको चेक करके हर लिहाज से ये फिर आप तक पहुंचाते हैं तो दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि अगर जानवर का हवाना जो है वो बैलेंस नहीं है मतवाजन नहीं है उसकी एक साइड ऊंची है एक नीची है तो ऐसा होता है कि जो साइड नीची हो उसके जो थन होते हैं वो भी बड़े लगते हैं दूसरे थन जारी बात है वो छोटे ही लगेंगे और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जानवर का अगर चड्डा या हवाना काना है एक साइड पे है तो उसमें जो दूध होता है दोनों साइडों पे वो भी कम ज़्यादा हो जाता है तो जो भैंस है या गाय है उसकी खूबसूरती में और उसका जो कीमत होती है उसमें इस चीज़ का काफ़ी फैक्टर पैदा हो जाता है ये काफ़ी इसका असर होता है तो आज की वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि ये आपने कैसे जो अगर जानवर का जो चड्डा है या हवाना है वो आगे पीछे हो गया है मतलब उसका जो दोनों साइडें बराबर नहीं है तो उसके लिए क्या देसी इलाज है दोस्तों भैंस की अगर हवाना की एक साइड कम हो तो जब भैंस तैयार हो जाए या गाय तैयार हो जाए उसके इस बच्चा देने में 7-8 रोज़ रहते हो तो आपने क्या करना है कि आधा किलो देसी घी लेना है ठीक है आधा किलो देसी घी लेना है उसको आपने अपना पिघला लेना है गर्मी में तो वैसे ही वो पता है आपको लिक्विड बना होता है तो पिघलाने के बाद आप क्या करेंगे एक तोला हीरा हिंग ठीक है ये जो हीरा हिंग होती है ये आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी ये आपने एक तोला लेनी है ये हीरा हिंग आपने मुंह में रख कर किसी जो मोमी कागज़ होता है उसमें लपेट के आप उसके मुंह में रखें ऊपर से आप नल से देसी घी उसे दे दें ठीक है अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह ताला आपके जानवर को शिफा मिलेगी और उसका ये जो मसला है ये हल हो जाएगा तो दूसरा जो नुस्खा है इसमें आपको दो नुस्खे बताए जाएंगे थनों के कि जानवर के थन कम ज़्यादा हैं या फिर छोटे बड़े हो गए हैं उसमें दूध कम ज़्यादा है तो उसका क्या इलाज है ये वीडियो पहले भी हमने अपलोड की हुई है इस पे यूट्यूब पे तो आज फिर इसके साथ हम लगा रहे हैं ताकि अगर आपने नहीं देखी हुई तो वो देख लें नहीं रहता तो आइए चलते हैं जी थनों के नुस्खों की तरफ फ्रेंड्स मैं दो नुस्खे आपको बताऊंगा उनमें से जो आपको आसान लगे कोशिश करें दोनों यूज़ कर लें अगर उनमें एक जो आपको आसान लगे वो आप कर लें दोनों तकरीबन मिलते जुलते ही हैं तो अगर आपके पास कापी पेंसिल है तो आप लिख लें आपने क्या करना है कि चावल नुस्खा नंबर एक ये है कि चावल आपने लेने हैं राइस जो होते हैं 400 ग्राम कितने 400 ग्राम आपने चावल ले लेने हैं कलमी जो मिश्री होती है मिल जाती है ये आपने लेनी है जी 250 ग्राम और 50 ग्राम आपने ले लेनी है काली मिर्च और गाय का दूध आपने 1.5 किलो ले लेना है ठीक है 1.5 किलो ले लें या 2 किलो ले लें यह आपकी मर्ज़ी है ठीक है 1 किलो से ज़्यादा हो ये चार चीज़ें हैं दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ नुस्खा नंबर 1 चावल 400 ग्राम मिश्री जो कलमी मिश्री है 250 ग्राम काली मिर्च 50 ग्राम और दूध गाय का 1.5 किलो ये आपने इन सब चीज़ों को एक खीर बना लेनी है दूध में डाल के इसे गर्म कर लेना है तो ये एक खीर बन जाएगी तो ये आपने जानवर को 7 दिन तक देनी है इंशाल्लाह ताला आपका जानवर ठीक हो जाएगा तो दूसरा नुस्खा लिख लें
दूसरे नुस्खे में क्या है कि आपने लेना है जी सफ़ेद ज़ीरा आधा पाव, देसी थूम एक पाव, मीठा सोडा आधा पाव और गाय का दूध 2 लीटर। ठीक है, इसकी भी आपने इन सारी चीज़ों को दूध के अंदर डाल के मिक्स करके इसकी खीर बना लेनी है। तो जैसे आप खीर बनाएंगे तो ये आपने जानवर को दे देना है। ये जो मैंने बताई हैं आपको, ये सारी जो मकदारें ये एक नुस्खे की हैं। ठीक है, तो ये आप 7 दिन तक दोनों नुस्खे यूज़ करें इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला जो नुस्खा नंबर 1 है वो आपने 7 दिन तक करना है, जो नुस्खा नंबर 2 है ये आप 4 दिन तक कर लें। अगर आपको फ़र्क महसूस हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर इसे 7 दिन तक कर लें। तो ये थी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।